नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्टिकल एंस, हमारे खास एपिसोड कंप्यूटर नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको यहां प्रिंट स्क्रीन करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, नॉर्मल तरीके से जब आप प्रिंट स्क्रीन करते हैं तो अपने कीबोर्ड से आप प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद जो है आप चाहे आप एमएस वर्ड पर या फिर आप जो है नोट पेंट पर जो है एमएस पेंट पर जा करके उसको पेस्ट करते हैं, उसके बाद आप जो है उसका यूज़ कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन वाले बटन से ना करके हम किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको जब आप प्रिंट स्क्रीन करते हैं तो आप वहीं पर एडिटिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ साथ में आप उतना एरिया ही सेलेक्ट करके आप प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। पूरी स्क्रीन को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पूरा स्क्रीन आपका प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ उतना ही एरिया प्रिंट होगा जितना आप चाहते हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक फ्री सॉफ्टवेयर दूंगा, फ्री सॉफ्टवेयर का लिंक दूंगा, फ्री सॉफ्टवेयर का साइट बताऊंगा जिससे यहाँ से आप जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो इसकी मदद से आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी सहूलियत भी मिलने वाली है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं भैया तो देर किस बात करनी है, नीचे दिए हुए लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एंस को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे, आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रही है और हमारे द्वारा जानकारी दी हुई आपको समझ में आ रही है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि जब आप अपना प्रिंट स्क्रीन करना चाहते हैं, अपने स्क्रीन को जो यानी कंप्यूटर की स्क्रीन को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो कैसे प्रिंट होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि अपने कीबोर्ड की मदद से प्रिंट स्क्रीन का जो बटन होता है उसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है आपकी स्क्रीन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जो है आप किसी भी चाहे वर्ड पर हो या फिर जो है अपना पेंट पर जा करके उसको पेश करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये सब नहीं करना है। अब हम जो है यहाँ पर एक नए तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना ओपन कर लेंगे गूगल और आपको एक नया सॉफ्टवेयर बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप अपने स्क्रीन को प्रिंट कर सकते हैं सिर्फ उतना एरिया जितना आप चाहते हैं, और उसको चाहे कॉपी करिए, चाहे आप उसको सेव करिए, चाहे किसी फॉर्मेट पर सेव कर सकते हैं, जेपीजी हो तो आप जेपीजी पे सेव कर सकते हैं या फिर दूसरे फॉर्मेट पे भी सेव कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम टाइप करेंगे एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसका नाम है लाइट शॉट। आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट शॉट एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यहाँ पर से डाउनलोड कर लेंगे, और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पर से। और आप देखेंगे यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर दिया हुआ है विंडोज, तो इसको हम लोग यहाँ पर से इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद जो है इसको डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर उसे ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कई सारे इफेक्ट दिए हुए यहाँ पर कि फास्ट स्क्रीनशॉट एंड सेलेक्टेड एरिया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल भी सेलेक्टेड एरिया को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है इजी टू यूज़ एप्लीकेशन है, आपका शेयर शॉट वाई इंटरनेट है, आप शेयर भी कर सकते हैं, पावरफुल एडिटर भी है। और दोस्तों, यहाँ पर कई सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं जिसकी मदद से आप जो है उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सेटअप हमारा स्टार्ट हो चुका है, और इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये दोस्तों, हमने इंस्टॉल पहले से कर रखा है, और इसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप का लोगो बन करके आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो लोगो कैसा होगा दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये जो देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ ये लोगो, तो इसके मदद से हम लोग स्क्रीन को प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये हल्का सा डार्क हो चुका है, और अब हम चाहते हैं कि सिर्फ जो है अपने माउस की मदद से सिर्फ इस लोगो को हम प्रिंट करना चाहते हैं। जो है दोस्तों, इस लोगो को हम प्रिंट करना है, तो यहाँ पर से आप इस की माउस की मदद से इतना एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि दोस्तों, ये हमारा लोगो जो है जितना हमारा हाईलाइट हो गया लोगो, सिर्फ इतना ही एरिया हमारा सेलेक्ट होकर के ये हमारा सेव होगा। और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो कि प्रिंट स्क्रीन के ऑप्शन है। यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं, इसको यहीं से सर्च भी कर सकते हैं सिमिलर इमेज के नाम पर, यहाँ पर से ही आप जो है प्रिंट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं, यहीं से सेव कर सकते हैं, और यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेन की मदद से एडिटिंग भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं। दोस्तों, तो ये एरिया आपको शो करना है इस टाइप से, तो आप इस टाइप से आप कर सकते हैं, पेन का यूज़ भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी पेन का यूज़ करना है आपको पेन का यूज़ भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर एरो वगैरह भी यहाँ पर दे सकते हैं जैसा कि आप शो करना चाहते हैं। और यहाँ पर
टेक्स्ट भी कुछ टाइप कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है टाइप कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने टाइप कर लिया है और इसके बाद जो है अब हमको सेव करना है, तो यहाँ पर से आप जाएंगे सेव पर और सेव करने के लिए जिस नाम से आपको सेव करना है, जहाँ पर भी सेव करना है तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। तो मैं उसी नाम से सेव कर दे रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर वो एरिया सेव हो चुका है जिसको हमने अभी प्रिंट किया था, जिस एडिटिंग के साथ हमने प्रिंट किया था वो सभी कुछ यहाँ पर सेव हो चुकी है। और इस तरीके से आप अपने इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी स्क्रीन को प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगे जो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, साथ में ये भी बताइए कि आज के इस वीडियो से कि आपने कुछ नया सीखा, कि आपने कुछ नया जाना। दोस्तों वीडियो के किसी पार्ट में जो चीज़ ना समझ में आई हो या फिर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पर भी आपको कोई दुविधा हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पर अभी अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए लाल वाले बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल लाइन को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होता रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर किया करें आप लोग, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और जल्दी से लाइक कर दें। और आपको बता दें कि इसे दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जब आप इसे दोस्तों को शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ तो वे भी ये जानकारी हासिल कर पाएंगे और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को प्रिंट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हमारे एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, हम वहाँ पर भी अपडेट करते रहते हैं और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो भी आप फेसबुक फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस लिंक ओपन करके फॉलो कर लीजिए। और मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।